hello everyone welcome back to my youtube channel Naja dress designer so guys in today's video i am going to share most beautiful dress so, so please keep watching this video till the end हम अब इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपके साथ हम चुन्नट वाला फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करेंगे तो यहाँ पे हम फैब्रिक लिए हुए हैं अस्तर के लिए जो कि तीन मीटर है और यहाँ ये यह वाला फैब्रिक मेरा साढ़े चार मीटर है और हम यहाँ पे लेस लिए हैं जो कि तीन मीटर है तो हम इसका लॉन्ग फ्रॉक चुन्नट एक लेयर वाला बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे हम आपको आपसे शेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पर हम टॉप पार्ट सबसे पहले इसमें कटिंग करेंगे तो यहाँ से टॉप पार्ट की जो लेंथ है तो यहाँ पे चौदह इंच पे बन के रेडी होगा एक इंच सिलाई मार्जिन के लिए है तो पंद्रह इंच पे इसको हम कट कर लिए हैं उसके बाद हम यहाँ पे इसको सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से और एक इंच सिलाई मार्जिन के लिए है उसके बाद यहाँ से हम लेंगे शोल्डर का नाप लेंगे तो यहाँ पे हम ले रहे हैं साढ़े छः इंच और आर्मोल के लिए लेंगे हम सात इंच और दोनों लाइनों को इस तरीके से मिला लेंगे और इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम अपना चेस्ट का साइज लेंगे तो जो भी आपका चेस्ट का साइज होगा आप उसका फोर पार्ट करके यहाँ पे निशान लगा लीजिएगा तो हम यहाँ पे नौ इंच पे निशान लगा रहे हैं अब इसका वेस्ट लगा रहे हैं तो यहाँ पे उस आ, लगा रहे हैं हम आठ इंच इस तरीके से जो भी आपका होगा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हैं अब अपना साइज रख सकते हैं तो यहाँ पे हम आठ इंच पर निशान लगाए हैं और एक इंच सिलाई मार्जिंग टक्स के लिए और दो इंच सिलाई मार्जिन मार्जिंग के लिए ऊपर भी दो इंच सिलाई मार्जिन के लिए लगाते हुए इस तरीके से सिलाई ड्रॉ कर लेंगे उसके बाद हम आर्मोल की यहाँ पे सेप दे देंगे तो ये मेरा बैक आर्मोल है उसके बाद हम फ्रंट का हाफ इंच पे इस तरीके से अंदर के साइड में राउंड लगा लेंगे इस तरीके से उसके बाद यहाँ पे हम टैक्स के लिए निशान लगाएंगे तो साढ़े तीन इंच पे निशान लगा के इसकी लंबाई और चौड़ाई साढ़े तीन इंच पे निशान लगा के इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रो कर लेंगे उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे तो दो इंच पे निशान लगाए हैं उसके बाद लंबाई आपको जो भी गला का चाहिए डीप या स्मॉल डीप या शॉर्ट आप अपने हिसाब से यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पर हम फ्रंट uh, गला का साढ़े छः इंच ले रहे हैं और बैक गला का सात इंच ले रहे हैं अब इस तरीके से हम इसको सेप दे देंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से अब यहाँ से हम हाफ़ इंच पे कंधे को डाउन कर लेंगे उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो इसको हम कट करके दिखाते हैं फ्रेंड तो देखिए यहाँ पे हम इसको कट कर लिए तो यहाँ पे दो पीस मिल गया एक, एक मेरा फ्रंट का है और एक मेरा बैक पार्ट है उसके बाद इस तरीके से हम पहले पहले हम फ्रंट गला कटिंग कर लेंगे इस तरीके से उसके बाद इसमें से एक पार्ट को अलग कर लेंगे इस तरीके से और बैक पार्ट को फिर से इस तरीके से बिछाते हुए रख लेंगे डबल फोल्ड में और आलमोल हम आ, 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 बैक गला मुझे डीप चाहिए तो उसके बाद यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे तो यहाँ पे हम सात इंच पे निशान लगा रहे हैं आपको जितना भी चाहिए दस आठ नौ जो भी चाहिए आप अपने हिसाब से यहाँ पे लगा के उसको कटिंग कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पर हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से तो पीछे में हम डोरी लगाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे टक्स के लिए निशान लगा देंगे उससे तो साढ़े तीन इंच चौड़ा और, और साढ़े तीन इंच लंबा इस तरीके से निशान लगा देंगे ये निशान हम दोनों साइड में लगा लेंगे इस तरीके से उसके बाद फ्रंट वाले पार्ट को फिर से डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे और आरमोल की हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से डबल फोल्ड बिछाते हुए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम आरमोल की कटिंग कर लेंगे इसको हम कट करके दिखाते हैं फिर तो देखिए यहाँ पे हम कट कर लिए फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है यहाँ पे हम बैक लिख देते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए उसके बाद हम मेन फैब्रिक के कटिंग कर लेंगे तो इसी पर रख के अस्तर को देखिए यहाँ पे हम मेन फैब्रिक के भी कटिंग कर लिए आ, ये कपड़ा बहुत ही पतला है और इसका अच्छा से ध्यान से स्टिच करें तो उसके बाद हमें इसके बाद हम नीचे के घेरे के लिए कटिंग करेंगे तो मेन फैब्रिक को इस तरीके से हम चार फोल्ड में बिछा लिए हैं उसके बाद यहाँ से हम जो भी टॉप पार्ट है मेरा तो चौदह इंच का टॉप पार्ट है एक इंच सिलाई मार्जिन के लिए तो चौदह इंच में यहाँ पे हम रख लेंगे इंची टेप को और उसके बाद से इसका लेंथ लेंगे तो जितना भी आपको लेंथ चाहिए लंबाई आप यहाँ पे ले सकते हैं तो हम यहाँ पे तैतालीस इंच ले रहे हैं और एक इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे चौवालीस इंच का इसका कटिंग करेंगे फोर्टी इंच पर इसका कट कटिंग करेंगे तो इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से उसके बाद हम इस पर कटिंग कर लेंगे इस तरह से ये कपड़ा बहुत ही पतला है फ्रेंड इसलिए यहाँ पे हम फोर फोल्ड इसको कर लिए हैं इसका इसका घेरा भी बहुत ज़्यादा है इसको हम बाद में ओपन करके आपको अच्छे से दिखा देंगे तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए फोर फोल्ड किए हैं इसका घेरा भी बहुत ज़्यादा है इस तरीके से उसके बाद यहाँ से डबल फोल्ड कर लेंगे और बीच में से हम कट कर लेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से इसका घेरा आएगा बहुत ज़्यादा तो यहाँ से हम या, बीच में से यहाँ पे कट कर लेंगे इस तरह से तो ऐसे हम मुझे दो पीसेस मिल जाएगा तो एक बैक का हो जाएगा और एक फ्रंट का हो जाएगा तो इस तरीके से इस तरह से हो गया उसके बाद हम अस्तर की कटिंग करेंगे तो अब यहाँ पे हम अस्तर को ले लिए हैं इसको फोर फोल्ड में इसको हम बिछा लिए हैं इस तरीके से उसके बाद हम इसका लेंथ लेंगे तो मेन फैब्रिक से छोटा ही रहता है मेरा अस्तर तो दो तीन इंच हम कम ही रखेंगे तो एक तीस इंच का मेरा मेन uh, फैब्रिक है तो हम इसको उनतीस इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे इंची टेप को रखते जाएंगे और उनतीस इंच पे ट्वेंटी नाइन इंच पे इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे उसके बाद इसी निशान पे हम कट लगा लेंगे इस तरह कपड़े को कट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से उसके बाद अस्तर वाले कपड़े को हम टू फोल्ड कर लेंगे और टू फोल्ड करने के बाद बीच में से आ, कपड़े को दो भाग कर लेंगे ताकि मेरा एक बैक और एक फ्रंट का पार्ट हो जाए तो यहाँ से हम इसको भी कट कर लेंगे तो ऐसे हमें मुझे दो पीसेस मिल गया इस तरीके से अब हम बाजू के कटिंग करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम बाजू का कटिंग कर लिए हैं इसकी चौड़ाई है साढ़े सात इंच और इसकी लंबाई है बारह इंच तो इसमें हम गदर्स बनाएंगे उसके बाद यहाँ पे हम लिए हुए हैं कपड़ा एक लंबा सा जिसकी चौड़ाई है छः इंच और लंबाई इसके बराबर है तो यहाँ पे हम इस तरीके से रख के गदर्स बनाएंगे बाजू में डिज़ाइन बनाएंगे तो हम आपको आगे दिखा देंगे और इसी के बराबर के यहाँ पर हम अस्तर की भी कटिंग कर लिए हैं तो इसको हम आगे स्टिच करते टाइम आपको दिखा देंगे तो कुछ इस तरीके से गेदर्स बना के इसमें हम पट्टी को लगा लेंगे तो चलिए अब हम इसका कटिंग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट इस तरीके से मेन फैब्रिक के साथ रखते हुए चारों तरफ से स्टिच लगा लेंगे इसको अटैच कर लेंगे तो इसको हम रेडी करके गले के साथ दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पे हम अटैच कर लिए और गला भी बना लिए फ्रंट वाला और यहाँ पे हम दोनों साइड दोनों में टक्स भी डाल लिए ऐसे ही हम बैक पार्ट को भी बना के रेडी कर लिए हैं कुछ इस तरीके से पीछे में डोरी लगा लिए हैं और इसमें भी टक्स डाल के रेडी कर चुके हैं अब इसको इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे रख लेंगे उसके बाद कंधे को अटैच कर लेंगे इस तरीके से तो कंधे को अटैच करके करने के बाद इसको ऐसे ओपन कर लेंगे और उसके बाद गले पर हम सिलाई लगा देंगे जैसे कि हम और भी वीडियो में दिखाए हुए हैं आपको उसके बाद हम इस तरीके से बाजू को बना लेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा चुनट डालते हुए गेदर्स और इस तरीके से मेन फेवरिक और रास्ता के साथ इसको हम जॉइन कर लिए हैं इसको यहाँ पे इस तरीके से लगा लेंगे और उसके बाद तो देखिए इसको हम रेडी करके दिखाते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से हम बाजू को बना के रेडी कर लिए हैं तो इस तरह से बाजू बन के रेडी हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे हम टॉप पार्ट में बाजू को दोनों बाजू को लगा के रेडी कर लिए हैं इसका बैक में आप देख सकते हैं इस तरीके से कितना फिनिशिंग के साथ कोई भी आ, कोई भी चुनट नहीं आना चाहिए ना। अच्छे से आप बाजू को लगा लीजिए क्योंकि, क्योंकि कपड़ा बहुत पतला है तो इस तरीके से हम इसको रेडी कर लिए हैं और उसके बाद हम बाजू में लैस भी लगाएंगे, लगाए हुए हैं गला पे भी लैस लगा लिए हैं इस तरीके से अब हम जो अस्तर है मेरा इसको हम इस तरीके से चुन्नट करेंगे एक इधर से ऐसे जो कि चुन्नट मेरा दो दो इंच का रहेगा इस तरीके से फिर बीच में गैप हम दो तीन इंच का देते हुए फिर इस तरीके से हम चुन्नट कर लेंगे अस्तर में तो इसको आ, इसको टॉप पार्ट के हिसाब से जो भी चौड़ाई है उसके हिसाब से इस इसमें हम मैनेज कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे हम चुनट करके रेडी कर लिया अस्तर में कुछ इस तरीके से उसके बाद जब मेरा मेन फैब्रिक है देखिए इसके बराबर का कर लिए हैं हम जो भी कमर का है अब इसको हम एकदम छोटे छोटे प्लेट डालेंगे इसमें तो इसको हम इस तरीके से देखिए जैसे कि हम वीडियो में दिखा रहे हैं ऐसे ही हम इसमें चुनट डालेंगे तो एकदम छोटे छोटे इस तरीके से सारे कपड़े में हम चुनट डाल के रेडी कर लेंगे जो भी मेरा कमर का है उसके हिसाब से मैनेज करते हुए तो इस तरीके से हम इसको चुनट करके आपको दिखाते हैं तो ऐसे ही करके हम पूरा इस तरीके से कर लेंगे तो देखिए फिर यहाँ पे हम कितना छोटा 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 इस तरीके से हम गेदर्स बना के रेडी कर लिए हैं कुछ इस तरीके से तो ऐसे ही हम बैग वाले पार्ट को ही बना के रेडी कर लेंगे बैग वाले पार्ट में भी चुन्नट को उसके बाद हम इसमें अटैच करेंगे तो सबसे पहले मेन फेब्रिक को इस तरीके से टॉप पार्ट पर रख लेंगे ऐसे इस तरह से उसके बाद इसके ऊपर से हम रखेंगे अस्तर को तो इसको अच्छे से मिला के रख लेंगे इसके बाद ऊपर से हम अस्तर को यहाँ पे रख लेंगे इस तरीके से ऐसे उसके बाद एक बराबर में हम सिलाई चला लेंगे सिलाई चला लेंगे तो देखिए यहाँ पे सिलाई हम चला के रेडी कर लिया अब इसको ऐसे ओपन कर देंगे तो कुछ इस तरीके से ये आएगा इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे एकदम किनारे पे ऐसे ही हम बैक पार्ट को भी बना के यहाँ पे रेडी कर लिया उसके बाद इसको डबल इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और बाजू से लेके बड़ी तक पूरे नीचे में सिलाई लगा लेंगे और फिर उस साइड भी जो भी फिटिंग होगा बाजू का उस हिसाब से हम नीचे तक सिलाई लगा लेंगे और अस्तर को हम फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि नीचे किनारी है और मेन फैब्रिक है इसको हम टू फोल्ड में इस तरीके से फोर फोल्ड टू फोल्ड कर लेंगे ऐसे और सारे घेरे में स्टिच कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे ड्रेस बन के रेडी हो गया अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं फ्रेंड तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुँचे ड्रेस आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड अल्लाह हाफिज़